In the third video of conversion system, we have to convert binary to hexadecimal. In this conversion has following steps. Binary number is breaked into 4-bit section starting from LSB to MSB. LSB से MSB की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो 4-bit section में इसे हम लोग को break करना है. Now 4-bit binary number is converted into its hexadecimal equivalent. That means 4-bit binary को उसके hexadecimal equivalent के number में इसको convert कर देना है. Special case है यहाँ पे. Sometimes for whole number for creating 0-4 के digit के bracket में करने के लिए हम लोग it may be necessary to add a 0 as MSB in order to complete the grouping of 4 bits. ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स कभी कभी नहीं हो पाएगा तो उस बिट करने के लिए हम लोग एक 0 MSB में ऐड करेंगे. एक या 2 0 जो भी रिक्वायर्ड होगा वो 0 हम लोग ऐड करेंगे. सो लिखते हैं प्रॉब्लम्स में. नाउ टू वी हैव टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ और वी हैव टू फाइंड द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1100001001. सो फ्रॉम LSB दैट मीन्स फ्रॉम दिस साइड वी हैव टू ग्रुप इट इन द ग्रुप ऑफ 4 दैट इज 1101 and next is 1100. Its hexadecimal equivalent is 11 and its hexadecimal equivalent is 12. But in hexadecimal, we can write 11 as B and 12 as C. So the hexadecimal equivalent of given binary number is CB. 16 is the base. Next question. Hexadecimal equivalent of 1010111100110101001. So from LSB, we have to group it in the group of 4. So 1001100111001100 and next 10 ये हमारा रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पे जब हम लोग ग्रुप करेंगे तो इसके आगे में हम लोग 2 0 ऐड कर देंगे ताकि ये 4 ग्रुप के सेक्शन में आ जाए. सो इसका कन्वर्शन हो गया 9, इसका 13, 12, 11 एंड 2. 11 इज रिटन एज बी, 12 इज रिटन एज सी, 13 इज रिटन एज डी एंड 9 का 9. सो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 2BCD9. Next number 18 is binary fraction to hexadecimal fraction. The method of conversion of binary fraction to hexadecimal fraction involve following steps. Binary number is breaked into 4-bit section. Finally, 4-bit section is converted into its hexadecimal equivalent. It may be necessary to add a trailing 0 in the LSB and preceding 0 in the MSB in order to form complete grouping of 4 bits. Complete grouping of 4 bits के लिए हम लोगों 0 ऐड करना होगा. Problems में लोग हम देखते हैं कैसे होगा ये. So hexadecimal equivalent of 0.111001000 from LSB to MSB 0 0 के लिए हम लोग लिखेंगे इस तरह से 4 0. फिर यहाँ से हम लोग start करेंगे, इधर से हमारा grouping होगा क्योंकि point है. तो ये हो गया इसके लिए 110. नेक्स्ट है हमारा 1100, तो इसका वैल्यू हो गया 0. 110 के लिए हो जाएगा 14 और इसके लिए हो जाएगा 8. 14 का इक्विवेलेंट होता है E और यहाँ मेरा बाइनरी पॉइंट है. सो 0.E8 इज द आंसर. नेक्स्ट हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1100001.1010111100011. So from here you have to proceed in this way. So इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इस 2 और 1 0 यहाँ पुट करके हम इसको यहाँ पर लिखेंगे. Next बाकी के लिए 4 के लिए यहाँ, बाकी 4 के लिए यहाँ पे और बाकी 4 के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे. इसके इक्विवेलेंट फॉर्म को हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है 3, 15, 10, 1, 6. सिर्फ 15 और 10 का होगा, 10 का हो जाएगा A और 15 का 5.
एफ. सो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है मेरा, तो ये हो जाएगा 61.AF3 base 16. नेक्स्ट कन्वर्सन इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन. सो इन दिस कन्वर्सन फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व. ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इज कन्वर्टेड इनटू 4-bit बाइनरी इक्विवेलेंट. नाउ 4-bit सेक्शन आर कंबाइंड टुगेदर बाय रिमूविंग द स्पेसेस टू गेट द बाइनरी नंबर. फर्स्ट इज एफ ए 5AF. इसका हम लोग बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करना है. तो 5 का होता है 0101, A का 1010, F का 1111. सभी को मिला के हम लोग लिख देंगे स्पेस को हटा के, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 01011 0101111. नेक्स्ट इज 86DB45C. सो 8 के लिए हमारा 1000, 6 के लिए 0110, डी के लिए 1101, बी के लिए 1011, 4 के लिए 0100, 5 के लिए 0101, सी के लिए 1100. सभी के स्पेस को मिला के लिख लेंगे तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट कन्वर्सन इज कन्वर्सन ऑफ हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन. So the procedure of this conversion is similar to that of hexadecimal to binary conversion. That is, hexadecimal number is converted into 4-bit binary equivalent. तो हम लोग को फिर वही करना है, सिर्फ हम लोग को पॉइंट याद रखना है कि बाइनरी पॉइंट हमारा कहाँ पे है. यहाँ पे मेरा बाइनरी पॉइंट है. सो 2 के लिए 0010, B के लिए 1011, 6 के लिए 0110, C के लिए 1100. पॉइंट को हम लोग लिखते हुए पॉइंट हमारा यही रहेगा, बाकी सारे को स्पेस को हटा के हम लोग लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा. सिमिलरली बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 5F76E.34DF. बाइनरी पॉइंट हमारा ई के पास है, यहाँ पे याद रखना है ये यहाँ पे पॉइंट होगा. बाकी सारे पॉइंट्स को हम लोग मिला के लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया इसका, ये हमारा इक्विवेलेंट है. नेक्स्ट नंबर 21, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन. In this conversion, following steps are involved. Each octal digit is converted into 3-bit binary form. क्योंकि octal जो है 3-bit से बना हुआ होता है. All 3-bit binary numbers are combined together. अब hexadecimal जो है वो 4-bit का बना हुआ होता है. तो now binary number are divided into 4-bit binary forms by starting from first number from right bit to the first number from the left bit. Finally, 4-bit blocks are converted into their respective hexadecimal symbols. Example से देखें इसका. So hexadecimal equivalent of, you have to find the hexadecimal equivalent of 2327, which is in the form of octal. Now, 2 के लिए 3-bit section में हमें octal जो है 3-bit section binary section में convert होता है, तो 2 के लिए हो गया 010, 3 के लिए 011, 2 के लिए 010, 7 के लिए 111. So combining 3 binary blocks bits, we have 010, 011, 010, 111. ये सारे को हम लोगों ने combine करके यहाँ पर लिख लिया. अब चूंकि अब इसको grouping of 4 section में करना है, तो हम लोग LSB से start करेंगे. यहाँ से चार चार के group में इसको break करेंगे. हम लोगों ने break किया, इसका value आ गया 4, इसका value आ गया D, इसका value आ गया 7. So final answer is 4D7 base 16. नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 5473261. सो सबसे पहले इसको हम लोग 3-bit सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे, दैट इज ऑक्टल्स को, एंड देन इसे मिला के लिखेंगे और हम लोग इसको 4-bit के सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे. डिवाइड करने के बाद इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल फॉर्म को लिख लेंगे, 1676B1. द आंसर इज 1676B6B1 base 16. Now number 22, octal fraction of hexadecimal fraction. ये भी सेम कन्वर्शन है. पॉइंट को बस हमें याद रखना है कि ये पॉइंट हमारा कहां पे है, बस यहां पे हमें पॉइंट लगाना है. तो 3 के लिए 011, 1 के लिए 001, 5 के लिए 101, 7 के लिए 111. अब इधर हम लोग कंबाइन करेंगे, इसको सबको मिला के लिखेंगे और ये हमारे 4-bit के सेक्शन में होंगे, तो 1001, ये 1 एक रह गया, इसके लिए आगे में और 0 लगा देंगे.
उसके बाद फिर इधर में हमारा स्टार्ट होगा, तो ये 1011 मतलब ये चार एक साथ और 11 और साथ में दो जीरो एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो इसका कन्वर्शन हो गया 1, इसका हो गया 9, पॉइंट हमारा यहाँ रहेगा बी और सी, तो 19.BC हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट कन्वर्शन है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 76.665, तो 7 के लिए हम लोग कहिए, 6 के लिए पॉइंट हमारा यहाँ पे है, 6 के लिए फिर यहाँ किए, 6 के लिए फिर यहाँ पर किए, 5 के लिए किए। अब इसे हम लोग 4 बिट सेक्शन में ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से हमारा 4 बिट सेक्शन हो जाएगा 011, ये 1 को लेते हुए, फिर 1100 ये हो गया, तो ये हो गया 3 इसका, इसका हो गया E, ये हमारा पॉइंट तो रह गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 11 और 1 को इसको हम लोग साथ में लिखा, 4 बिट यहाँ पे आया, फिर 1010 को साथ में लिखा, ये हमारा यहाँ पे रहा, और ये 1 अकेला है, इसके साथ में 3 जीरो हम लोग ऐड करेंगे तो ये 4 बिट का सेक्शन हो जाएगा, ये हम लोगों ने यहाँ लिखा। इसके कन्वर्टर को हम लोगों ने लिखा ये DA8, हमारा आंसर हो गया 3E.DA8। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 22 कन्वर्शन देखे, जितने तरह से कन्वर्शन हो सकते हैं वो हम लोगों ने देखा। इस सारे कन्वर्शन को एक टेबल के फॉर्म में हम लोग याद करेंगे, और टेबल के फॉर्म में याद करने के बाद सारे कन्वर्शन को इजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को दो तीन चीज याद रखना होगा, 2 के पावर्स, 16 के पावर्स और 8 के पावर्स के पावर 1, 2, 3, 4 और पावर -1, -2, -3 एंड -4 तक इसको हम लोग को याद करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में ये हम लोग एक टेबल देख लेंगे, और इस करने के बाद फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर सिस्टम, दैट इज 2's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट, 9's कॉम्प्लीमेंट एंड अदर कॉम्प्लीमेंट्स नंबर सिस्टम।